गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। आज हम पक्षियों के प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे। पक्षियों का प्रवास, बर्ड माइग्रेशन, पक्षियों के जीवन से संबंधित घटनाओं में से सर्वाधिक जो चमत्कारी घटना अगर कोई है, अनेक जातियों का मौसमी प्रवास जो सीजनल माइग्रेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और उनके संचालन की विलक्षण क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। माइग्रेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मिग्रेयर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना, टू ट्रेवल। अधिकतर जातियों में अनुकूल मौसम का आनंद लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने का गुण पाया जाता है। जब यायावर पक्षियों ने, झुंडों ने आसमान को अंधकार में पूर्ण बनाया है, तब तब मनुष्य ने विस्मय पूर्वक आसमान को देखा है। यद्यपि प्रवास तो कई जंतु करते हैं, परंतु पक्षियों में जितना लंबा प्रवास होता है उतना तो कोई भी एनिमल नहीं करता है। दीज आर सम माइग्रेटरी बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस प्रकार पक्षी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रवास करने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स और एक रेजिडेंट बर्ड, प्रवास नहीं करने वाले जो साल भर अपने होम रेंज में ही रहते हैं। काहन ने माइग्रेशन को इस प्रकार से परिभाषित किया कि प्रवास जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियमित रूप से भ्रमण होता है। पेरियोडिकल पासिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। अन्य जंतु में प्रवास का अर्थ इमाइग्रेशन होता है, जिसमें उनकी वापसी की यात्रा नहीं होती है, जबकि पक्षियों के प्रवास में टू वे जर्नी होते हैं, यानी वो जाते हैं लौटने के लिए जाते हैं। इट मीन्स ए रेगुलर और पेरियोडिकल टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ सम बर्ड्स बिटवीन देयर समर एंड विंटर होम्स एंड ब्रीडिंग एंड फीडिंग प्लेसेस। पक्षी प्रवास को हम सात प्रकारों में बांट सकते हैं: अक्षांशीय प्रवास, देशांतरीय प्रवास, लंबत प्रवास, आंशिक प्रवास, अनियमित प्रवास, ऋत्विक प्रवास और निर्मोचन प्रवास। पहला है अक्षांशीय प्रवास या लेटिट्यूडिनल माइग्रेशन। पंखों के उपहार के कारण ही पक्षी सुविधापूर्वक पृथ्वी के दो भिन्न भिन्न भागों का दोहन कर सकते हैं। सर्वाधिक जो परिचित प्रवास है वो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ अक्षांशीय प्रवास ही होता है, सबसे लंबा प्रवास वही होता है। ग्रीष्म काल में पक्षी उत्तरी गोलार्ध से शीतोष्ण और उपद्रवीय क्षेत्रों में, जहां खाने व घोंसला बनाने की सुविधाएं होती हैं, उनमें प्रवास करते हैं। शीतकाल में जब उत्तर बर्फ और हिम से ढक जाता है पूरा, तब पक्षी आश्रय के लिए दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। अनेकों उत्तरी अमेरिकन और यूरेशियन पक्षी भूमध्य रेखा को पार करके सर्दी गुजारने के लिए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अधिक निचले व अपेक्षाकृत गर्म स्थानों में चले जाते हैं, जैसे कि अमेरिकन गोल्डन प्लॉवर, जिसे जूलॉजी की भाषा में प्लेवियलिस डोमिनिका भी कहते हैं, शीत के 9 माह तक 8000 मील की दूरी दक्षिण में अर्जेंटीना के पेम्पस में व्यतीत करती है। तय करके साइबेरियन सारस साइबेरिया से चल करके हिमालय पर्वत मालाओं को पार करके और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आते हैं, तो उन्हें इसलिए उन्हें लॉन्ग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। दिस इज ए अमेरिकन गोल्डन प्लॉवर, जो सबसे लंबा प्रवास करती है। ये स्टारलिंग है, जो ये माइग्रेटरी बर्ड है। साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया से भरतपुर नेशनल पार्क में आते हैं। ये कूट है, ये भी माइग्रेटरी बर्ड है, जो सीजनल माइग्रेशन में पाया जाता है। दूसरा है देशांतरीय प्रवास। कुछ पक्षी जो है देशांतरीय प्रवास करते हैं, जैसे कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ, जैसे कि स्टारलिंग है, पूर्वी यूरोप से लेकर के एशिया में अपने जनन क्षेत्र में मादी के शीत से बचने के लिए अटलांटिक तट की ओर चले जाते हैं। लंबत प्रवास यानी अल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन। लंबत से मतलब है कि निचले स्थानों से ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे से निचले स्थानों पर माइग्रेशन करना लंबवत प्रवास कहलाता है। जहां कहीं शीतोष्ण क्षेत्रों में बड़े बड़े पर्वतमालाएं होती हैं, बड़े पर्वत होते हैं, उनमें ऋत्विक सीजन परिवर्तन के साथ साथ कुछ पक्षी ढलानों से ऊपर की चले जाते हैं या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ लंबवत प्रवास करते हैं। इसे वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं, जैसे ग्रैब्स में, कूट में, अबाबील में, येलो टेरमिगन में, इनमें लंबवत प्रवास पाया जाता है। चौथे प्रकार का है आंशिक प्रवास या पार्शियल माइग्रेशन। शीतोष्ण क्षेत्रों में पक्षियों की कई प्रजातियां आंशिक रूप से प्रवासी होती हैं। ये स्थायी निवासियों में, यानी जो रेजिडेंट बर्ड में, वो अल्पकाल के लिए वृद्धि हो जाती है, जैसे कि वार्न आउल, ब्लू बर्ड इन कनाडा आदि, इनमें आंशिक प्रवास होता है। पांचवा है अनियमित या जंगम प्रवास, पार्शियल या वेग्रेंट माइग्रेशन। कुछ पक्षी जैसे कि बगुला, इनमें जनन के पश्चात में वयस्क तरुण भोजन की खोज में और शत्रुओं से सुरक्षा हेतु अपने घर से भटक करके कुछ मीलों तक की सभी दिशाओं में फैल जाते हैं।
जैसे कि कुकू है, थ्रश है, वार्बलर है, अधिक ऊंचाइयों पर जेट स्ट्रीम नामक प्रचंड हवाओं में फंस जाते हैं और कई मीलों तक चले जाते हैं। इसे अनियमित या जंगम प्रवास कहते हैं। हालांकि वो उनकी इच्छा नहीं होती है प्रवास करने की, लेकिन हवा के साथ में बह करके चले जाते हैं और उनका वो प्रवास हो जाता है। छठा है सीजनल माइग्रेशन या ऋतविक प्रवास। कुछ पक्षियों में जैसे कि ब्रिटेन का स्विफ्ट, शैलो, नाइटिंगेल, कुकूज, इनमें ऋतविक के आधार पर प्रवास देखा जाता है। ये पतझड़ में मुख्यतया उत्तर से आते हैं और शीत पर्यंत रुकते हैं और वसंत में फिर उत्तर की ओर उड़ जाते हैं। इनमें ये सीजनल माइग्रेशन होता है। सातवां है मोल्टिंग माइग्रेशन या निर्मोच प्रवास। कुछ प्रवासी पक्षी ऐसे होते हैं जो प्रवास करने से पूर्व प्राय निर्मोचन करते हैं। निर्मोचन से मतलब है अपने शरीर की पंखों को झड़ा देते हैं और नई पंखें उग जाती हैं उसके ऊपर। इससे उनकी फर जो है वो सर्वोत्तम प्रकार की बनी रहे, इसके लिए वो निर्मोचन करते हैं। ये उपयुक्त स्थानों पर पहुंच करके अपने पंखों को बदल लेते हैं, जैसे कि बतख है, सैंडपेपर है, ये अबाबील है, ये लॉन्ग रेंज की माइग्रेटरी बर्ड हैं, श्वालो है, ये भी माइग्रेटरी बर्ड है, स्विफ्ट है, कुकूज हैं, ये सब माइग्रेटरी बर्ड हैं जो एक स्थान से लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें पक्षियों में प्रवास होता क्यों है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रवास की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन के लिए पक्षियों में प्रवास किस प्रकार से आरंभ हुआ, ये अभी तक एक अनुमान का विषय ही रहा है। इसके कोई एविडेंस या कोई जो है प्रमाण नहीं मिले हैं। एक सिद्धांत के अनुसार पक्षियों का मूल ग्रह उत्तरी गोलार्ध हुआ करता था। प्लीस्टोसीन एपोक की बात है, बहुत पहले प्लीस्टोसीन एपोक में, जहां की जलवायु सुहावनी और ताड़ के वृक्ष सहित वातावरण पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल था, परंतु इस कल्प के अंत में भारी हिमपात हुआ और लैंडस्लाइड हुआ, तो इससे उसकी जो उत्तरी गोलार्ध की जो बर्फ चादर से ढक गया और बढ़ते हुए हिमनद और बढ़ती हुई ठंड से पक्षियों के प्रवास करने पर मजबूर कर दिया, यानी वहां से उनको माइग्रेट करना पड़ा क्योंकि वो जलवायु उनके अनुकूल नहीं रही। बहुत ज्यादा ठंड, माइनस से सैकड़ों डिग्री नीचे चला गया टेम्परेचर, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वे वहां से पलायन कर गए और पलायन करके हिमनद पीछे हट गए। जलवायु सामान्य होने लगी तो पक्षी वापस अपने मूल जगह पर आ गए। तो इस प्रकार से आधुनिक प्रवास हिमयुग की पुनरावृत्ति दर्शाता है। ये जो माइग्रेशन है ये दर्शाता है कि उस हिमयुग के अंदर जब टेम्परेचर उनके सहन के योग्य नहीं हुआ करता था, जलवायु उनके अनुकूल नहीं हुआ करती थी, तो उसको चेंज करने के लिए वो माइग्रेट करते थे। विलियम रावण ने यह बताया कि पूर्वजों के प्रवास के गुण आधुनिक पक्षियों में वंशानुगत हो गए हैं, इसलिए उनमें प्रवास पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि वातावरणीय और जलवायु संबंधी परिस्थितियों एवं आंतरिक शरीर की क्रियात्मक दशाओं ने परस्पर मिलकर के पक्षियों में प्रवास को जन्म दिया। ये लैपविंग है, जिसमें ये माइग्रेटरी बर्ड है जो पानी से और स्थल पर और जमीन पर, ये टेरेस्ट्रियल बर्ड है, जमीन पर अपने अंडे देता है, जमीन पर ही रहते हैं। ये पेंटेड स्टॉक है जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप में पाए जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। जब बरसात या पानी या मतलब एक नदी, झील, तालाब बना हुआ होता है, उसके अंदर ये ज्यादातर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और फिर वहां से सारे के सारे एक साथ माइग्रेट करके किसी दूसरे तालाब में या झील में चले जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है इनके माइग्रेशन के, तो पक्षियों को क्या लाभ मिलता है माइग्रेशन से। तो पहला लाभ तो यह है कि प्रवासी पक्षियों को वातावरण की कठोर जलवायु से बचने में सहायता मिल जाती है। जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र में अधिक बर्फबारी होने के कारण पक्षियों को रहने के वो अनुकूल बिल्कुल नहीं होता है और वे गर्म स्थान की तलाश में पलायन कर जाते हैं। दूसरा है, प्रवास के कारण पक्षियों को अधिक भोजन और रहने की अच्छी दशाएं मिल जाती हैं, जिसे उनको आराम से उनका वृद्धि और विकास के लिए लाभकारी होता है। पक्षियों को प्रवास से वापस लौटने पर अपनत्व का सा आभास होता है, जिससे कि वो जिसको छोड़ करके गए थे, जिस एरिया को, उसमें वापस आते हैं तो उसमें एक अपनत्व का आभास होता है, जिससे कि अपने नए क्षेत्रों के दोहन में मदद मिलती है। चौथा है कि परपक्षियों से बचकर के अपनी आबादी को स्थिर बनाने में इन पक्षियों को मदद मिलती है। परपक्षी अगर ज्यादा हो जाएं, प्रीडेटर्स ज्यादा हो जाएं, तो उनके बच्चों को और अंडों को मार करके खा जाते हैं, जिससे उनकी प्रजाति की संख्या कम हो जाती है, पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ये प्रवास करते हैं। प्रवास से भंडारण हुई वसा का ही पक्षी उपयोग करते हैं, ग्लाइकोजन का उपयोग नहीं करते। जो स्टोर फैट है उसी से एनर्जी लेते हैं और बाकी दूसरी चीजों से एनर्जी नहीं लेते। इस प्रकार से ये पक्षियों में प्रवास होता है। थैंक यू वेरी मच।